हाय गाइस नमस्ते। आज की रेसिपी है पालक पनीर। आज मैं आप लोगों के लिए पालक पनीर की सब्ज़ी लेकर के आई हूँ, जो इस प्रकार है। पालक मैंने 250 ग्राम पनीर, 500 ग्राम पालक रख लिए हैं। पालक को पत्ते सहित धो करके हमने रख लिया है और कढ़ाई में डाल देते हैं उसको बॉयल, पत्ते को बॉयल करने के लिए। पत्ते डाल दिया हमने कि बॉयल हो जाए। इसमें एक गिलास पानी डाल देंगे कि अच्छे से पत्ते सॉफ्ट हो जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। अब मैं इसमें सूखे लाल मिर्च 2 से 3 पीस डाल देती हूँ और हरी मिर्च 4 से 5 पीस डाल दिए। अदरक लहसुन 5-5 कली मैंने डाल दिया इसमें। अदरक भी एक छोटे टुकड़ा है उसको बारीक काट करके मैं इसमें डाल देती हूँ, बॉयल हो जाएगा। लहसुन भी है 5 से 7 कली, इसको इसमें हम डाल देते हैं। एक बड़ा प्याज है 4 टुकड़े करके इसमें बॉयल होने के लिए डाल देते हैं। 2 टमाटर है इसको भी डाल देते हैं। अब इसको ढक देते हैं बॉयल होने के लिए। पालक बॉयल हो चुका है। 4 से 5 पीस मैंने काजू, उसको भी इसमें डाल करके ढक देते हैं, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। देखिए बॉयल हो चुका है, गैस मैंने बंद कर दिया है। पालक के पत्ते को निकाल लेंगे मिक्सर जार में ग्राइंड करने के लिए। हाँ जी, गरम मिक्सर में मत पीसिएगा, थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद ही पीसें। पालक के पत्ते को मैंने इसमें निकाल करके रख लेते हैं और थोड़ी देर के लिए प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो जाए गैस पर रख देते हैं कि थोड़ा और सा पक जाए। पक गया, छान करके मैंने रख लिया। एक बड़े चम्मच कढ़ाई में घी डाल देते हैं। आप चाहें तो बटर डाल सकते हैं, तेल डाल सकते हैं। मैंने घी 1 चम्मच डाल दिया। 1/6 चम्मच जीरा मैंने डाल दिया। 1 चुटकी हींग डाल देते हैं। जीरा थोड़ा सा भून जाए तो जो मिक्स मसाले तैयार करके हमने रखा हुआ है, टमाटर प्याज हरी मिर्च लहसुन अदरक सूखी लाल मिर्च काजू सब हमने एक में ग्राइंडर कर लिया है। मसाले को डाल करके अच्छे से भून लेते हैं। अच्छे से इसको भून लेते हैं, मिला लेते हैं अच्छे से। मसाले तेल छोड़ना शुरू हो गया है। हल्दी 1/2 छोटी चम्मच डाल देते हैं। नमक स्वाद अनुसार डाल देते हैं। लाल मिर्च पाउडर आप चाहें तो डाल सकते हैं, तीखा पसंद है तो लाल मिर्च पाउडर थोड़ा डाल सकते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए मसाले तेल छोड़ना शुरू कर दिया, अच्छे से भुन गया है। बहुत ही स्वादिष्ट होने वाला है। पालक को जो मैं मिक्सी में पीस करके रखा हुआ है उसको भी इसमें डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करके इसको पकने देते हैं, थोड़ी देर और पका लेंगे इसको। पालक और मसाले को एक में मिक्स करके इसमें 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला डाल करके इसमें मिक्स कर लेंगे। मसाले भी इसमें मिल जाएगा, थोड़ा और स्वाद बढ़ जाएगा गरम मसाले डालने से। अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। मैंने 250 ग्राम पनीर रखा हुआ है काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में, उसको भी इसमें डाल करके मिक्स कर लेते हैं। पनीर को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। क्रीम है, आपके पास क्रीम हो तो क्रीम 1 बड़े चम्मच डालिए। अगर आपके पास घर में क्रीम नहीं है तो मलाई को अच्छे से फेंट करके 1 चम्मच डाल सकते हैं। मैंने 1 चम्मच क्रीम डाल देते हैं इसमें। इस वीडियो को देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं आप लोगों को ये रेसिपी कैसे लगी। थैंक यू, धन्यवाद।